हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बुक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज़ इन चैप्टर 4 इन एनसीईआरटी। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। दिस इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, तो हम इसकी हर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये पूरा डिस्कस करेंगे व्हिच इज़ इन सेकेंड पेज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम इसका जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है विल डिस्क्राइब दिस, और हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज हम पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। और तो थ्योरी में हम कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 4.1 व्हिच इज़ इंट्रोडक्शन, एंड देन वी विल मूव टू चैप्टर 4.2 व्हिच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 4.1 में है आपका इंट्रोडक्शन। तो पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लाइक ए एक्स प्लस बी, इसको हमने बोला था वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है भाई। देन वी हैव डिस्कस्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले थे। इसके बाद है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो वी विल डिस्कस, जब हम इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो जो इक्वेशन बनेगा दैट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द कंडीशन इज दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड A is not equal to 0। क्यों बच्चों, अगर A 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बताओ बताओ। तब ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, देन इट won't बी एनी मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत यूज होता है डेली लाइफ में, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने में। कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, सो लेट्स सी दोज एग्जांपल्स। एक एग्जांपल जो आपके बुक में दिया हुआ है, A charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area 300 square meter, और एक ये एक rectangle types का बनेगा with its length one meter more than twice its breadth। तो अब हम assume करके चलते हैं बच्चों कि ये हमारा बन गया prayer hall, ये है इसका L लेंथ और ये है इसका ब्रेथ B। इसका एरिया कितना दिया हुआ है बच्चों, एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं कंडीशन क्या है। तो बच्चों कंडीशन देखिए आप सही से, इट्स लेंथ इज 1 meter मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को अगर हम x मान लें तो L क्या बन जाएगा आपका, 1 more than ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, 1 plus 2x बन जाएगा ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द हॉल हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी होता है हम सब जानते हैं। तो एरिया आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 plus 2x इंटू एक्स, एंड दैट इज गिवन टू अस 300, दैट इज गिवन टू अस 300। ठीक है, x मीटर में है तो हमें यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए और यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए। अगले स्टेप में आप मीटर स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, नाउ विल डिस्कस ओनली द वेरिएबल x एंड द कांस्टेंट टर्म्स। तो आपको क्या मिलेगा ये इक्वेशन, 2x² + x + = 300। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनली बनेगा 2x² + x - 300 = 0। Now after solving this quadratic equation we can get the value of x, or we can get the length and breadth of the prayer hall. So this is the use of quadratic equation. Then in your book some history of quadratic equation, कुछ history दिया हुआ है quadratic equation के बारे में, ठीक है। So आप लोगों book में पढ़ लोगे। अब हम आगे चलते हैं 4.2 which is quadratic equations, जो आपके बुक में बच्चों 4.2 दिया हुआ है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होता है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड देयर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज दैट ए बी सी आर रियल। अभी हम क्लास 10 में जो डिस्कस कर रहे हैं ये रियल तक ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है ए बी सी कॉम्प्लेक्स भी, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। हमने पहले भी देखा था बच्चों, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, इट वॉन्ट रिमेन एनी मोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम आपको देंगे, लाइक पहला एग्जाम्पल है जो हमने अभी जस्ट पिछले पेज में डिस्क्राइब किया था, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू जीरो, ये एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दूसरा एग्जाम्पल है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, और एग्जाम्पल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू जीरो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए QE, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोग समझ जाओगे अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों हमेशा यही होता है, आपको यही याद रखना है, जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पूछे तो आप प्लीज़ उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ एक्स, पहले 2 पावर रहेगा, फिर पावर 1 रहेगा, फिर पावर 0 रहेगा, ये आपको याद रखना है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम चलते हैं एग्जांपल पे, ये आपके बुक में है, एग्जांपल 1 में दिया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल 1 में दिया हुआ है, और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, मतलब ये जो सिचुएशन यहाँ डिस्क्राइब किया गया है इसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। अच्छा भाई सिचुएशन क्या है देखते हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, टुगेदर दोनों को मिला के मतलब 45 है, मतलब जॉन के पास एक होगा तो जीवंती के पास कितना होगा भैया, 44 होगा, जॉन के पास अगर 2 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा भैया, 43 होगा, एंड सो ऑन। Both of them lost 5 marbles each. Both of them lost 5 marbles each. मतलब 1 तो किसी के पास हो ही नहीं सकता, 5 से ज़्यादा ही होगा, तभी तो 5 ये लूज करेगा। And the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. मतलब हमें बस equation यहाँ frame करना है, अभी तक हमने equation solve करना नहीं सीखा है, तो अभी हमें बस equation frame करना है। तो सबसे पहले जो हम assume करेंगे, मैं short में लिख रहा हूँ NO, number of marbles John had बी एक्स, मतलब जॉन के पास भाई कितना था, एक्स था, जॉन के पास एक्स मार्बल है, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना होगा बताइए आप लोग, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, डेफिनेटली 45 माइनस एक्स। अच्छा ये हो गया इनिशियल कंडीशन, अब फाइनल कंडीशन इज दैट बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यही दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो जॉन के पास अभी कितना मार्बल बचेगा, जॉन के पास अभी बचेगा x माइनस 5, क्योंकि x था पहले उसके पास 5, वो बेचारा लूज कर गया, x माइनस 5। जीवंती के पास कितना बचेगा, जीवंती के पास कितना था इसके पास, 45 माइनस x था, माइनस 5 लूज किया उसने, तो कितना बच गया बच्चों, 40 माइनस एक्स। अब क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, किन दोनों का प्रोडक्ट, जो जॉन के पास है और जो जीवंती के पास है,
इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है कितना, 124। तो कितना बन जाएगा टोटल, इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन बनेगा x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ये तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करते हैं, चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 40x माइनस एक्स को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर आप किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 200, फिर 5 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 एंड माइनस x प्लस 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 124। अच्छा जी, अब इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 40x है यहाँ पे, यहाँ 40x है और यहाँ 5x है, 45x बन जाएगा, ठीक है, माइनस 200, दिस इज इक्वल टू 124। प्रोडक्ट तो हमें 124 दिया हुआ है, और एल्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपका ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस, मतलब इस 124 को अब आप इस साइड ले आइए तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो वी कैन राइट इट फर्दर एज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, द इनिशियल वैल्यूज, द मार्वल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, ये इनिशियल वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे, जो अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में। तो ये एग्जाम्पल है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है? On a particular day, total cost of production was 750. तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ बच्चों कि total cost होगा क्या? Total cost होगा क्या? Total cost होगा आपका number of toys, नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, मैं टॉय लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम चलिए एज्यूम करते हैं कि द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉयज produced on that particular day, मैं x assume कर लेता हूँ, let लिखना जरूरी है, let the number of toys produced is this one, then cost कितना हो जाएगा, cost of one toy कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, दिया हुआ है question में, cost कितना हो जाएगा, 55 minus the number of toys produced, मतलब कितना हो जाएगा cost, 55 माइनस नंबर ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूस्ड। अब जो दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है भाई, किन दोनों का, एक्स का एंड 55 माइनस एक्स का, तो क्या बन जाएगा आपका, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज गिवेन टू यू इक्वल टू 750, यही दिया है आपको। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, और फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, एक्स का वैल्यू मिलेगा विच इज नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है,
अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 और इसके क्वेश्चंस। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बाकी हम अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं। थैंक यू।